तो हुआ है। बाबा बनखंडेश्वर महादेव की पुनीत पावन ये धारा जहाँ बैठकर भगवान शिव की अलौकिक आनंदित शिव महापुराण की कथा अपन सब बैठकर श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री रानेश सिंह जी चौहान, श्रीमती अंजू चौहान, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। शिव भक्ति ये भगवान की अविरल भक्ति है। मानव का देह प्राप्त कर भगवान की भक्ति में रम जाना, मानव का देह प्राप्त कर भगवान शिव की अविरल भक्ति की ओर अग्रसर हो जाना और उस शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना, सातवें दिन की कथा है। जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं उनसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक आप सब बाबा की ये पावन कथा को अपने जीवन में उतारें। ये मौका शिव तत्व से, शिव की कृपा से आप और हमको मिला है। साढ़े तीन करोड़ रोम छिद्र ये मानव के शरीर में होते हैं और 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में होते हैं, मानव के शरीर में होते हैं, एक एक रोम छिद्र का कार्य है भगवान की भक्ति में रमना। हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत एक बात बड़ी सुंदर कही है कि जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, राम जी के मंदिर गए, नारायण भगवान के मंदिर गए, कृष्ण भगवान के मंदिर गए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर गए, देवी देवता के मंदिर में जब हम प्रवेश करें, तब वहाँ बैठे हुए पंडित जी, वहाँ बैठे हुए पुजारी जी, पूजन करने वाले आचार्य, ब्राह्मण देव, भूदेव अपने हाथ में चरणों तक दे देते हैं। जिस जल के अंदर तुलसी का दल पड़ा होता है वो चरणों तक हमारे हाथ में ब्राह्मण देवता, हमारे हाथ में आचार्यवर, गुरुवर हमारे हाथ में दे देते हैं और उस चरणोदक को, उस चरणोदक को हम
आचमन कर लेते हैं। जब चरणोदक का हम आचमन करते हैं, चरणोदक का जब हम आचमन करते हैं, आचमन कर रहे होते हैं, तब चरणोदक से केवल एक मन की शुद्धता या भीतर हमारी इंद्रियों की शुद्धता से मतलब नहीं है। चरणोदक जब हमने धारण किया, चरणोदक जब हमने पिया, तो हमारे शरीर के जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो इस शरीर के अंदर है, वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल एक चरणोदक को आचमन कर लेने पर, पी लेने पर, वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हमारे शुद्ध होकर परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लेते हैं, परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं। अब 21,600 श्वास जो हमारे शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 21,600 श्वास जो हमारे शरीर से प्रतिदिन निकल रही होती है, प्रतिदिन आना जाना कर रही होती है, ये एक एक श्वास का हिसाब, एक एक श्वास का जो हिसाब है वो मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। हमने कितनी श्वास बचपन में कैसे गवा दी, हमने कितनी श्वास जवानी में कैसे गवा दी, हमने कितनी श्वास अधेड़ी में कैसे गवा दी, हमने कितनी श्वास अपने बुढ़ापे में कैसे गवा दी, हमने कितनी श्वास अपने भगवत भजन में निकाली ना निकाली। एक तो शरीर बड़ी मुश्किल से मिला मनुष्य का, ना जाने कितनी विनती करी होगी, कितना निवेदन करा होगा, कितना विनय करा होगा, तब जाकर तो यह मानव का शरीर मिला। अब ऊपर से यह मानव का शरीर मिलना, और मानव के शरीर को मिलने के बाद भी अगर हम भगवत भगवान की भक्ति से दूर हो गए तो फिर मतलब क्या। अच्छा एक बात बताओ, इतनी इतनी दूर से आप लोग आए हैं, सुबेरे 8 बजे की कथा चालू हो रही है तो तुम सुबेरे 4 बजे जगे होगे, 4 बजे जाकर तुमने अपना सारा नित्य का कर्म करा होगा, और नित्य का कर्म करके तब आप जल्दी जल्दी कर अपने अपने गांव से, अपने अपने नगर से, अपने अपने शहर से निकल कर यहाँ पर पहुँचे हो, तब आप यहाँ पहुँचे हो। अब इतनी मेहनत कर यदि आप लोग यहाँ पहुँचे हो, इतनी मेहनत कर आप आगे पहुँच भी गए हो, इतनी मेहनत कर आप आगे आकर खड़े भी हो गए हो, इतनी मेहनत कर आप आगे आके बैठ भी गए हो, पर ईमानदारी से बोलो, जिस कथा के लिए हमने मेहनत करी, जिस कथा को श्रवण करने के लिए हमने प्रयास किया, और अगर हम वही ग्रहण नहीं कर पाए तो फिर हमारा पहुंचना, हमारा जाना, हमारा आगे बैठना या हमारा आगे खड़े होना वही मायने रखता है। आप अगर इतनी मेहनत कर यहाँ तक पहुँचे हो तो शिव महापुराण की कथा का अंश तत्व आपके भीतर पहुंचना चाहिए, शिव की अविरल भक्ति आपके हृदय में विराजमान होना चाहिए। और जब भगवान शिव की अविरल भक्ति हमारे भीतर विराजित हो तो समझो कि हमने शिव तत्व को प्राप्त किया। एक दीपक अगर जलता है
उसमें बाहर की अगर हवा लगेगी ना तो वो दीपक को बुझा दे। जलते हुए दीपक को एक कांच की हंडी के अंदर रखा जाता है। जलते हुए दीपक को एक कांच की हंडी के अंदर रख देते हैं जिससे वो दीपक बुझे नहीं, जिससे वो दीप बुझे ना। हम क्यों कथा के पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं, हम क्यों मंदिर के अंदर जाकर बैठते हैं? दुनिया के लोग ताना देने वाले, कमेंट्स करने वाले, अपशब्द कहने वाले तो आपसे कह देते हैं मंदिर में जाकर क्यों बैठते हो, शंकर जी के मंदिर में क्यों जाते हो, राम जी के मंदिर में क्यों जाते हो, कृष्ण के मंदिर में क्यों जाते हो, शिव महापुराण की कथा में क्यों बैठते हो, क्यों सुनते हो कथा, क्यों जाते हो पंडाल में, क्यों जाते हो मंदिर में, क्यों जाते हो तीर्थ में, क्यों जाते हो गुरु की शरण में, क्यों जाते हो पवित्र नदियों का स्नान करने के लिए? ये दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि दीप जलता है तो उस पर हंडी रख दी जाती है कांच की, जिससे वो दीप बुझे ना, बाहर की हवा से वो बुझे ना, इसलिए उस पर हंडी रख दी जाती है। तो ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं, मंदिर नहीं, देवालय नहीं, ये इस शरीर की हंडी है जिसके अंदर ये बैठा हुआ है। और ये शिव पुराण रूपी हंडी के अंदर जो जाकर बैठ गया, एक बार उसके अंदर अगर दीप प्रकट हो गया, मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर, देवालय में जाकर, भगवान की भक्ति में जाकर, तीर्थ में जाकर, पवित्र नदियों के स्नान में जाकर जो बैठा है, वो अपने आप को ये समझे कि मैं जलता हुआ दीप हूं, दुनिया को प्रकाशित करने वाला मैं पुंज, मैं दीप हूं, और मेरे जलने से, मेरे प्रकट होने से, मेरे प्रज्वलित होने से दुनिया को प्रकाश मिल रहा। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ये बाहर की हवाएं हमको आकर बुझाने का प्रयास करेंगी। कोई कोई मित्र ऐसा मिल जाएगा आपको, आप मंदिर जाते हो, आप भगवान की भक्ति में लगे हो, कोई कोई मित्र ऐसा मिल जाएगा आपको, कोई कोई ऐसा प्राप्त हो जाएगा आपको, वो आपको कहेगा मंदिर में जाकर क्या करोगे, चल अभी अपन घूम कर आते हैं, चल गाड़ी में बैठ आगरा से आते हैं, चल घूम कर आते हैं थोड़ा सा, चल फिरोजाबाद तक चलते हैं, चल कानपुर तक चलते हैं, चल लखनऊ तक चलते हैं। एक मित्र ऐसा मिलेगा, आप मंदिर जाना चालू करेंगे, आप भगवान के भजन करना प्रारंभ करेंगे, आप भगवान की भक्ति में जाना प्रारंभ करेंगे, कोई ना कोई तुम्हारे अर्चन डालने के लिए ऐसा मिल जाएगा कि आपकी भगवान की भक्ति, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप धीरे 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 वो उसके सत्संग में, उसके संगत में आकर वो आपको छुड़वा देगा। और कोई कोई जिंदगी में ऐसा मिल जाएगा कि आप कभी मंदिर नहीं जाते थे तो भी मंदिर जाना चालू कर देंगे, आप खुद पहुंच जाएंगे। ये शिव भक्ति का एक प्रतिबिंब है, ये शंकर भगवान की भक्ति का एक स्वरूप है, शिव की भक्ति का एक आनंद है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले, ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शरीर में अगर बीमारी है, देह में अगर बीमारी है, शरीर में अगर रोग है, देह में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, देह में अगर बीमारी है, तो उसका इलाज डॉक्टर के पास है,
डॉक्टर उस बीमारी का इलाज कर सकता है। शरीर में अगर बीमारी है, देह में अगर बीमारी है, तो उसका इलाज डॉक्टर कर सकता है, पर अगर मन में बीमारी है तो इसका इलाज तो केवल महादेव ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारी समस्या का हल। ये बाहर की बीमारी, देह की बीमारी, शरीर की बीमारी, ये शरीर की बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास है। देह की बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास में रहेगा, पर मन की बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं। अगर होगा तो मेरे देव अधिदेव महादेव के पास होगा, वहां जाकर बैठोगे, मन की बीमारी दूर होगी, मन की बीमारी दूर होगी। कितना पाप में लिप्त रहता है ये शरीर। कुत्ता मरता है ना तो उसको कपड़े से कोई नहीं ढांकता। मैनपुरी में कोई ढांकता है क्या? जम के बोलो। पशु मरता है तो उसको कपड़े से कोई नहीं ढांकता। पक्षी मरता है उसको कपड़े से कोई नहीं ढांकता। हाथी मरा उसे कपड़े से कोई नहीं ढांकता। कोई जानवर मरा उसे कपड़े से कोई नहीं ढांकता। कोई चूहा मरा उसे कपड़े से कोई नहीं ढांकता। पशु पक्षी जानवर कोई भी मरे उसे कपड़े से कोई नहीं ढांकता। केवल एक मनुष्य जब मरता है तो इसको कपड़े से ढांका जाता है, केवल एक मनुष्य को। और ये मानव को कपड़े से क्यों ढांकते हैं? क्योंकि इसने जिंदगी में बचपन से लेकर मरते तक इतना झूठ बोला होता है, इतना पाप करा होता है कि इसके पाप को छुपाने के लिए इसे कपड़े से ढाक कर शमशान तक ले जाया जाता है। पाप में लिप्त रहता, झूठ में लिप्त रहता, आसक्तियों में लिप्त रहता, वासना में लिप्त रहता, तृष्णा में लिप्त रहता, आसक्तियों में फंसा होता। किसी जानवर को कपड़े से नहीं ढाकते, किसी पशु पक्षी को कपड़े से नहीं ढाकते, पर मनुष्य को कपड़े से ढांकना पड़ता है। क्योंकि इसने इतना जिंदगी में आने के बाद अगर इसने कोई सत्कर्म कराए, आप संत को देखना, आप साधु को देखना, कोई बहुत पहुँचे हुए जो संत होते हैं ना, उनको कपड़े से ढांकने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको तो लोग सुलाकर भी नहीं ले जाते, उनके लिए तो एक बेकुंठी बनती है, बेकुंठी पर उनको बिठाते हैं, उनको सुलाते नहीं हैं, बिठाते हैं, और बिठाकर उन्हें कपड़े से ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस चादर को वो ओढ़े रहते हैं उसी चादर को ओढ़ाकर उनको बेकुंठी पर बिठाकर लेकर फिर जाते हैं। अर्थात क्योंकि उन्होंने सत्य का जीवन जिया है, उन्होंने सार्थक जीवन जिया है, उन्होंने सात्विक जीवन जिया है, उन्होंने भगवत भक्ति का जीवन जिया। जिसने अपनी जिंदगी को सही मायने में जिया, देखो परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है जो पूरे परिवार के लिए बहुत कुछ करता। भगवान ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक घर में गिफ्ट के रूप में भेजता है। हर घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होगा जो पूरे परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, घर के एक एक सदस्य के लिए, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, नाते हो, रिश्ते हो, कुटुंब हो, कबीला हो, सबके लिए वो आगे बढ़कर करता है। पर जो व्यक्ति भगवान ने सबके लिए भेजा है, जो सबके लिए करता है, सबके लिए आगे बढ़ बढ़ कर, कोई कोई माता ऐसी होती है, कोई भाई ऐसा होता है, कोई भाभी ऐसी होती है, कोई बहू ऐसी होती है, कोई माता पिता ऐसे होते हैं, कोई काका काकी ऐसे होते हैं, कोई मौसा मौसी ऐसे होते हैं, कोई मामा मामी ऐसे होते हैं,
कोई जीजी जीजा ऐसे होते हैं, कोई नाना नानी ऐसे होते हैं, जो कोई एक घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबके लिए परिवार में सबके लिए घर के लोगों के लिए करता है, पर उसके लिए दुनिया में कोई नहीं बना जो उसके लिए करता हो। घर के सब सदस्य के लिए वो करेगा, पर उसके लिए घर का कोई सदस्य नहीं कर सकता। ये रीति आज की नहीं, ये रीति पुरानी है। एक पानी की बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं के अंदर, बावड़ी के अंदर उसको नीचे उतारो, वो बाल्टी पानी खींच खींच कर लेकर आती है, खींच खींच कर लाएगी, 10-10 बाल्टियों को भर देगी, 10-10 हंडों को भर देगी, 10-10 पानी की बाल्टियों को भर देगी, पर वो जो बाल्टी है उस बाल्टी को कोई नहीं भरता, वो बाल्टी खुद जाती है और खुद नीचे से भर कर ऊपर आती है। उस बाल्टी को किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि कुएं से पानी लेकर आने वाली बाल्टी को कोई दूसरी बाल्टी भर दे, उसको खुद भरना पड़ता है। घर में कोई सदस्य एक ऐसा होता है जो सबके लिए करता है, सबके लिए जीता है, पर उसके लिए कोई नहीं होता, तब उसके लिए मेरा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ होता है, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा केदारनाथ, मेरा महाकाल, मेरा भीमा शंकर, मेरा वैद्यनाथ, वो स्वयं उसके लिए होता। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक बाल्टी सब बाल्टियों को भर देती है कुएं में से पानी निकाल निकाल कर, पर उस बाल्टी को कोई भरने वाला नहीं होता, वो बाल्टी खुद जाती है नीचे और फिर भर कर आती है, क्योंकि उसमें इतना बल होता है कि वो स्वयं परमात्मा के सहारे पर जीता है और परमात्मा के सहारे पर ही रहता है, उसके भरोसे, उसके। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे जी, हम क्यों विचार करें कि कौन मेरे लिए करेगा। हमने जोड़ा अपने हाथों से जो तुमने दान कर लिया, अपने हाथों से जो तुमने पुण्य कर लिया, अपने शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो तुमने भजन कर लिया, वो तुम्हारा है। जो तुम छोड़कर चले गए वो तुम्हारा नहीं है। ये माताएं जो होती है ना, छोटे छोटे बच्चे को लंगोट पहनाती हैं, हमारे यहां पर उसको कुंथरिया भी कहते हैं, छोटी सी कपड़ा माएं उसको पहनाती। बच्चे को जन्म लिए बच्चे को माँ जो लंगोट पहनाती है, उसमें कितनी जेब होती है? उसमें कोई जेब होती है क्या? जम के तो बोलो, नहीं होती। एक माँ जन्म लिए बच्चे को जो पुंथरिया पहनाई है, जो लंगोट पहनाई है, उसमें जेब नहीं होती। और एक मरने के बाद जो तन पर कपड़ा उड़ाया जाता है, उसमें भी जेब नहीं होती, जेब नहीं।
बच्चा जब गोदी में आया तो माँ उसको बिना जेब के लंगोट बांध रही है, क्योंकि माँ ने उसको ज्ञान देना चाहा कि तू जन्म तो लिया है पर याद रखना कि तू कुछ लेकर नहीं आया है, जो कुछ मिलेगा तुझे तेरे प्रारब्ध से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा तुझे तेरी मेहनत से मिलेगा, और जो कुछ मिलेगा तुझे तेरे कर्म के प्रारब्ध से मिलेगा, ये तेरा है। और कई लोग कहते हैं कि यहां से जाएगा, जब मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लेकर जाओगे, जाओगे जरूर, यहाँ जितने आए हो ना एक आध बिस्कुट का पैकेट तो तुम्हारे बैग में जरूर जाए। भले तुम हमारे सामने मुंडी हिला दो कि नहीं हम तो कुछ नहीं ले जाएंगे, बिस्कुट का पैकेट नहीं जाएगा तो यहाँ पर जो पानी गिरा उसकी एक बूंद चिपक कर तुम्हारे साथ जाएगी, जो रज है मिट्टी है वो तुम्हारे साथ चिपक कर जाएगी। और सुनो, दुनिया के लोग कह दे कि मरने के बाद कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाता, शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने जो भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को कोई अच्छा कर्म किया, किसी की सेवा कर दी, तुमने जो अपना पुण्य कमाया है वो तुम्हारे साथ जाने वाला है, कोई दूसरे के साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ। ये वनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, जो ये वनखंडेश्वर महादेव कमेटी जो ये कथा का आयोजित करी, और मुख्य यजमान श्री रानेश जी चौहान जी और श्रीमती अंजू जी चौहान जी जो इसके यजमान बने हैं। इस समिति, हमने पहले भी जब ये समिति, हम व्यासपीठ से हमेशा कहते रहते हैं कि चिंता कर कभी भी शिव महापुराण की कथा मत करना, क्योंकि शिव पुराण की कथा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई करा ले। शिव महापुराण की कथा तो केवल देवाधिदेव महादेव ही करा सकते हैं और कर सकते हैं, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। अगर यजमान परिवार आज दोनों बैठे हैं चौहान परिवार से, दोनों पति पत्नियां विराजमान हैं, उनके बच्चे विराजमान हैं, उनका कुटुंब उनका परिवार अगर बैठा हुआ है तो ये विश्वास मानकर चलना आप नहीं बैठे हो, ये तो मेरा देव अधिदेव महादेव, क्योंकि शंकर की कथा में लिखा है शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर, शंकर पार्वती यजमान बनकर बैठते हैं। रामचरितमानस की कथा होती तो यजमान होते, श्रीमद् भागवत की कथा होती राजा परीक्षित यजमान होते, विष्णु पुराण की कथा होती सूत सुनक का संवाद में यजमान होते, जितनी पुराणे होती हैं सबका यजमान होता है, केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जिसका यजमान अगर बैठता है तो वो शंकर और पार्वती के स्वरूप में बैठता है। केवल एक शिव महापुराण की कथा जिसमें शिव और पार्वती यजमान बनकर बैठते हैं, ये कोई नहीं करा सकता। घर में बारात में 50 मेहमान आते हैं और 50 मेहमान आते हैं तो टेंशन रहती है, यहाँ 7 दिन तक 7-7, 8-8 लाख, 9-9 लाख, 7-7 लाख भक्त आते हैं तो चिंता महादेव को रहती है, यहाँ कोई दूसरे को नहीं। ये व्यासपीठ का नियम है, आप कभी विचार करिएगा, कभी एक अंदाजा लगाना। शिव महापुराण की कथा का कभी एक प्रयोग अपनी जिंदगी में कर देखना, एक भंडारा, जिस भंडारे में आटा चावल दाल शक्कर सब्जी तेल घी सब भर के रख दो, सब भर के रख दो, और उस भंडारे का आनंद
मेरे शिव महापुराण की कथा में मेरे बाबा से तुम कभी एक प्रयोग कर कर देखना, जहाँ शिव पुराण की कथा होती हो वहाँ भंडारा जो भरा होता है, बाबा की कथा पूरी हो जाती है, भक्त चले जाते हैं, भंडारा दुगना तिगना उतना कि उतना ही भरा मिलेगा, खाली नहीं मिलेगा। शिव का भंडारा कभी खाली नहीं मिलेगा तुम्हें। जितने आटे की बोरी, जितने चावल की बोरी, जितने शक्कर की बोरी, जितना पोहा की बोरी, जितना सामान है, आलू की बोरी, सब्जी की बोरियां, उतनी की उतनी बढ़ती चली जाएगी, पर खाली नहीं होगी, क्योंकि मेरा शंकर अकेला नहीं आता। इतने भक्तों का पेट भरने के लिए पहले वो काशी में से अन्नपूर्णा को रवाना कर देता है कि जाकर वहां पेट तुझे भरना है, वहां जाकर पेट तुझे भरना है। बस निवेदन एक ही है, भक्तों के पेट भरने की जवाबदारी मेरे महादेव ने ले रखी है, पेटी भरने की जवाबदारी मेरे महादेव ने नहीं ली है। पेट भर दे तुम्हें खाली नहीं। एक पत्र आया है, देखिए किसी ने लिखा, ब्रजेश यादव, मैं यहीं मैनपुरी का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो ब्रजेश जी तो हाथ हिला सकते हैं। ब्रजेश यादव, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूं। गुरुजी भोले बाबा का क्या बखान करूं। गुरुजी मैंने पहले आर्मी में नौकरी करी है, फिर मैं सेवानिवृत्त होने के बाद घर आ गया। मन में थोड़ी सी निराशी रही कि इतनी जल्दी मेरी सेवानिवृत्ति हो गई और अब कोई कामकाज नहीं। तब मेरी धर्मपत्नी ने, जिसका नाम रेखा यादव है, उसने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अपन दोनों सीहोर चलते हैं कुबेरेश्वर धाम, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हमारा रिजर्वेशन हो गया। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। हम बाबा से ये कहने के लिए कुबेरेश्वर जा रहे थे कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ आर्मी में से, मेरी नौकरी वापस लग जाए, कहीं पर भी ऐसी कृपा कर दो। बस रिजर्वेशन पक्का करवाया और जाने की तैयारी होने लगी। इतने में कॉल लेटर आया कि आपका टेस्ट करने के लिए आपको बुलाया गया है। और वापस मुझे बुलाया गया, मेरी पत्नी सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई, कंकर लाई, हमने 21 दिन तक उसका पूजा अर्चना करी और बाबा से विनती करी कि मेरी नौकरी लग जाए। 25 फरवरी 2023 को मेरा वापस सिलेक्शन हो गया और मुझे सरकारी नौकरी वापस मिल गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। शिव तत्व है। कहीं बैठे हों ब्रजेश यादव, मैनपुरी से हैं, पहले आर्मी में सर्विस करी है, उसके बाद अभी सरकारी नौकरी में। शिव तत्व आप ही हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव, हाथ हिला दीजिए एक बार। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ दान, ये तरकार। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं काखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। गंग धार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो कार कार तू। ये शिव है, शिव
कई लोग कहते हैं गुरुजी आपके कुबेरेश्वर धाम में सीहोर में क्या है, कंकर शंकर में रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। हम उनसे कहना चाहेंगे हमें तो नहीं मालूम कि उसमें क्या है, पर इतना जरूर मालूम है कि जो एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आता है वो 3 महीने में वापिस पहुंच जाता है, ये तो जरूर पक्का है, ये वहां की रीत है। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में क्या है हमें नहीं मालूम, पर उसके उस रुद्राक्ष का एक आनंद ये जरूर है। आप दुनिया के कितने रुद्राक्ष तुम्हारे पास में हो उसको पानी में डालकर रखना, वो थोड़े दिन में बदबू मारेंगे और गल जाएंगे, टूट जाएंगे, सड़ जाएंगे, पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष होता है उसको रोज पानी में गलाओ, रोज शंकर जी को चढ़ाओ, रोज उसका आचमन करो, वो जैसा है जैसी उसकी सुगंध है जैसा उसका आनंद है वो जिंदगी भर वैसा की वैसा रहता है, उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो शंकर कंकर की धरा का है, कोई साधारण नहीं है वो। वहां विश्वास है शिव के कंकर में, हां ये जरूर है बाबा की भूमि है कंकर शंकर की। अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है, भवन का निर्माण चल रहा है, धर्मशाला का निर्माण चल रहा है, एक बड़ी गौशाला का निर्माण चल रहा है, ये सब धीरे धीरे बाबा के हाथ में है, बाबा कराने वाला है, ये उसके हाथ में और वो कराए। ये उसके हाथ कितनी कृपा करता है वो, कितनी दया करता है वो, ये उसके ऊपर। आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सके। और यहां बैठे हुए जितने भी भक्त हैं, जितने कार्यकर्ता इस वन खंडेश्वर कमेटी के हैं और यजमान परिवार हैं, कभी अपने मुख पर ये लेकर मत आना कि हमने इस शिव महापुराण की कथा को करवाया। आपके मुख पर आना चाहिए ये तो महादेव ने शिव महापुराण की कथा को करवाया। हमारी क्या सामर्थ्यता है, लोग कहें कि क्या ले जाओगे क्या लाए, तुम कहना मेरा पुण्य मेरे साथ में जाएगा, मैंने जो दान करा, मैंने जो पुण्य करा, मैंने जो सत्कर्म करा, सावन के महीने में, अधिक मास के महीने में, चतुर्मास के महीने में, मैंने अगर किसी भूखे को भोजन कराया, एक गिलास पानी पिलाया है, मैंने अगर किसी रूप में भी किसी की सहायता करी है, वो पुण्य मेरा मेरे साथ जाएगा, वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा। हमारा करा गया कर्म हमारा। बाणासुर शिव का उपासक, एक काम था उसका बाणासुर का, एक बेलपत्री को शंकर भगवान पर समर्पित करता था, एक बेलपत्र शिव को समर्पित। एक सोने का सिंहासन ले लो आधा किलो का, आधा किलो सोने का सिंहासन बनवाओ, उस पे एक शालिग्राम भगवान की शिला रख दो, उनका श्रृंगार भी सोने से कर दो, हीरे पन्ने से कर दो, और उस सिंहासन को किसी एक ब्राह्मण को अगर हम दान कर दें उससे दुगना फल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता। सोने के सिंहासन पर बिठाकर भी शालिग्राम शिला को हम किसी को दे रहे हैं, जितना पुण्य वो प्राप्त होगा उससे दुगना पुण्य एक बेलपत्र शंकर भगवान को मात्र समर्पित कर देने से उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। एक बेलपत्र, एक बेलपत्र साधारण है क्या ये?
ये बेलपत्र कोई सहज है क्या? चौसठ देवियां योगनियां ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता सब इस बेलपत्र के अंतर्गत विराजमान है। इस बेलपत्र बारिश का मौसम चल रहा है, सावन भादो, ये सब बारिश के मौसम है। आप जिंदगी में एक काम अच्छा करिएगा, अपनी इस मनुष्य की देह से एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं ना कहीं जरूर लगा देना, जिससे आप संसार से भले चले जाओ पर आपके द्वारा वृक्ष पृथ्वी पर रहे और उसकी पत्ती टूट कर महादेव को चढ़ती रहे, तो हमारी जिंदगी सार्थक हो। एक उज्जैन की एक संस्था है अवंतिकापुरी की, अनाज तिलहन व्यापारी संघ उज्जैन अवंतिकापुरी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री गोविंद जी खंडेलवाल। ये अनाज तिलहन व्यापारी संघ उज्जैन के द्वारा 60,111 बेलपत्री के पौधे पूरे उज्जैन में घर घर में लगाए जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा। और धन्यवाद दूंगा संपूर्ण भारत की जैन समाज को, संपूर्ण भारत के जैन समाज जिसमें तरुण सागर जी क्रांति मंच को धन्यवाद दूंगा, जो तरुण सागर जी महाराज जिन्होंने अपने कड़वे प्रवचन से पूरे भारत की भूमि को नहीं देश और विदेश को सम्मान दिलाया है। ऐसे परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज का क्रांति मंच जैन समाज द्वारा, तरुण क्रांति मंच के द्वारा भी लाखों वृक्ष हरित क्रांति के रूप में पूरे विश्व में लगाए जा रहे हैं, पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं। संपूर्ण तरुण क्रांति मंच को मेरी ओर से साधुवाद, धन्यवाद। दो चीजें अपने अंदर रखिएगा, एक मंदिर से जो भी निर्माल्य चढ़े, मंदिर में जो भी फूल पत्ती चढ़े, उस निर्माल्य को गंगा में यमुना में सरयू में सरस्वती में नदियों में बावड़ी में तालाब में कुएं में मत जाने दो, उसको मंदिर से उठाओ, उसकी खाद बनाओ या एक खड्डे में ले जाकर डालते जाओ, खाद बनने के बाद उसको पेड़ पौधों में डाल दो, हमारी नदियों को पवित्र रहने दो, जल का स्तर इस पृथ्वी पर बना रहे। नदी है जल है तो हमारा कल है, इसलिए विठले सेवा समिति ने जगह जगह समिति से जुड़े हुए लोग निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चला रहे हैं अपने खर्चे से। सरकार कचरा उठाने का वाहन चलाती है सरकार के खर्चे पर, पर यह दुनिया का पहली ऐसी क्रांति है, यह पहली दुनिया का ऐसा आनंद है सुपुराण का कि निर्माल्य विसर्जन के रथ भक्त अपने खर्चे से चलाते हैं और बड़े उमंग के साथ मंदिर में जाकर निर्माल्य उठाकर लाकर उसकी खाद बनाकर वृक्षों को डालते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां की भी एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी, एक कल्पत्र था उसमें वर्णन था शायद नीचे रखा होगा, एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी, कल भी भक्त आए थे कि हमारी गाड़ी यहीं खड़ी है आप चलिए, पर भीड़ अधिक होने के कारण बस हम उस गाड़ी के पास नहीं जा पाए। तो निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी जो भक्त चला रहे हैं अपने अपने नगर नगर में शहर शहर में गांव गांव में, उनको धन्यवाद साधुवाद। स्वच्छ रखिए, हमारे परदादा ने पानी को नदी तालाब में देखा है, हमारे दादा ने पानी को कुएं और बावड़ी में देखा है, हमारे पिताजी ने पानी को घर में नलों में देखा है, हमने पानी को
पानी को बोतल में देखा है, दो चार पीढ़ी और आएगी ना तो पानी को फोटो में देखेगी, केवल फोटो। उस पानी को रक्षित करिए, सुरक्षित करिए, उस जल को बचाने का प्रयास करिए। अपने जीवन की सार्थकता के साथ में एक वृक्ष बेलपत्री का अवश्य लगाएं, और कहीं ना कहीं अपने हाथ से एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे आने वाले समय में ये पूरी पृथ्वी हरी बनी रहे। और जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो कमी पड़ी थी, अगर आपने वृक्ष लगाया तो जिंदगी में अगर कोई बीमारी भी आ गई ना तो हमको ऑक्सीजन की कमी ना पड़े और ये वृक्ष हमारा साथ दे जाए, ये वृक्ष हमारा साथ। बाणासुर का एक नियम था, बाणासुर का एक नियम बड़ा भारी था, एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करना, शिवलिंग का निर्माण करना, बेलपत्र समर्पित करना, सारी तप साधना व्रत का पुण्य है, एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना। पहले शुरू शुरू में जब हमने शिव महापुराण की कथा वाचना प्रारंभ करी थी, अब तो जितने भी वक्ता हैं बाबा की कृपा से ऐसी क्रांति है शिव पुराण की आई कि सब अब शिव पुराण वाचने लगे। जब हमने शुरुआत में जब शिव पुराण की कथा वाचना प्रारंभ करी थी उस समय पर शिव पुराण कोई ना वाचता था, शिव पुराण की कथा जब वाचना प्रारंभ करी, जब हम व्यासपीठ से कहते थे कि एक बेलपत्र चढ़ी हुई खाइए, वो शुगर, बीपी, थायराइड, सोरेसिस, गठिया, हार्ट, ये सब में काम करेगी, तो लोग हंसते थे, बहुत कमेंट्स करते थे, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते थे, बहुत बोलते थे, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खिला रहे हो, शिव जी पर चढ़ी हुई तो कोई वस्तु नहीं खाना चाहिए, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ कोई सामान नहीं लेना चाहिए, बहुत कमेंट्स करते थे लोग, आप शब्द बोलते थे, ताने देते थे, गालियां देते थे। आज भी दुनिया के कई लोग ऐसे हैं कि आज भी बोलने में पीछे नहीं हटते। तो हमारा निवेदन, धीरे धीरे लोगों ने इस बेलपत्र को खाना चालू करा, शुगर, बीपी, थायराइड सब उनका ठीक होना चालू हुआ, तो फिर साइंस के लोगों ने भी रिसर्च करा कि इस बेलपत्री में ऐसा क्या है जिससे लोगों की शुगर, बीपी, थायराइड, सोरायसिस सब ठीक हो रहा है। तब मालूम पड़ा कि एक बेलपत्री में वो तत्व छुपा हुआ है जो हमारे शुगर के अंदर के सारे तत्वों को समाप्त कर शुगर को लेवल में लाकर खड़ा कर देता है और बीपी को लेवल में लेकर आ जाता है। एक बेलपत्र। इसलिए शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र, एक बाणासुर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर रहा है, बाणासुर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, उसके भीतर के भाव को शुद्ध करने के लिए, उसके भीतर के भाव को आनंदित करने के लिए एक बेलपत्र बाणासुर शंकर भगवान को दे रहा है, एक बेलपत्र। फिर निवेदन करेंगे, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, मंदिर चले गए हो, बेलपत्र नहीं आपके पास में, मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उसको उठा लो, धो लो, बाबा से विनती कर वही बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को वापिस समर्पित कर दो, शिव उसे स्वीकार कर लेंगे, शंकर उसे। शिव उसे स्वीकार कर ले, शंकर उसे। और फिर अच्छे से सुनिएगा, अगर मान लो बेलपत्र भी नहीं है, मान लो बेलपत्र भी नहीं है, कोई पुष्प भी नहीं है, चढ़ाने के लिए एक लोटा जल भी नहीं है, पूजन का कोई सामान तुम्हारे पास में नहीं है, तब एक काम करना,
बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना, थोड़ा साफ कर देना मंदिर। बहुत सारे दिए लगे हों तो दिए को उठाकर एक साइड रख देना। मोहल्ले की 50 माताएं अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं तो मोहल्ले की एक दो माता ऐसी हो जो पशुपति व्रत करने के लिए अगर माताएं मंदिर के अंदर आती हैं तो तुम 2-3 बर्तन मंदिर के अंदर रखो। कोई प्रसाद रख कर गया है उसको उठाकर बर्तन में खाली करो और शाम के समय आरती के बाद सारा प्रसाद बच्चों को बड़ों को जिसको बांट सकते, जिसका व्रत ना हो पशुपतिनाथ। कोई अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर कर गई है, प्रसाद मंदिर में रखकर चली गई है, दिए मंदिर में रखकर चली गई है, फिर निवेदन करूंगा। एक पत्र किसी बेटी ने लिखा है कि मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बहुत कष्ट है और मैं अपने कष्ट की जिंदगी जी रही हूं। मैं उस बेटी से निवेदन करूंगा, बेटा किसी के सामने जाकर हाथ मत फैलाना। तो पशुपतिनाथ के व्रत अगर कोई माताएं कर जा रही हैं, कोई लोग कर जा रहे हैं, वहां दिए छोड़कर चले गए, प्रसाद छोड़कर चले गए, तो उन्हीं को संभाल कर एक साइड रख, उस प्रसाद को उठाकर मंदिर में अगर पुजारी हो तो बात दूसरी है, नहीं तो तुम सेवा कर रहे हो, उठाकर किसी भूखे को खिलाना चालू कर दे। तुझे जो पुण्य मिलेगा तो दूसरी बार कथा में मिलेगी तो ये कहेगी कि मेरे को बाबा ने भंडार भर कर दे दिया। नहीं है तुम्हारे पास में बेलपत्र, नहीं है तुम्हारे पास में जल, नहीं है तुम्हारे पास में चावल, नहीं है तुम्हारे पास में एक लोटा पानी, मत चढ़ाओ। आप बाबा के मंदिर की चाकरी करो। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला, तेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चोखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, किसके गुलाम? महादेव के। बहुत सारी कथाएं तो हम व्यासपीठ से कहना नहीं चाहते, नहीं तो कह देना तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता। दुनिया के लोगों को तुरंत काली मिर्ची तुरंत लग जाती, जितनी बार हम अभिषेक करवाते हैं उतनी बार काली मिर्ची तो लगती ही लगती है लोगों को, पर अलग से भी लग जाती है। इस चक्कर में हम बहुत सारी बातें तो कहते हैं नहीं है, हम बहुत सी चीज़ें नहीं कहते, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे। आप दूसरे का झंडा उठाकर चलते हो, दूसरे की जय जयकार कर चलते हो, दूसरे की गुलामी कर चलते हो, एक बार मेरे महादेव की कावड़ उठाकर उसका जय जयकार कर उसकी गुलामी कर देखना। एक बार उसकी गुलामी कर देखो, दूसरे की गुलामी करोगे उसको पद मिल गया प्रतिष्ठा मिल गई तुम्हें 5 मिनट में भूल जाएगा कौन। ऐसे ढेर आते हैं, कौन हम नहीं पहचानते हैं,
जब तक पद प्रतिष्ठा नहीं तब तक जानेंगे, पद प्रतिष्ठा मिली गया, पर मेरा महादेव जल चढ़ाने वाले को, मेरा महादेव सेवा करने वाले को कभी नहीं भूलता, उसको गले से लगा लेता है और जिंदगी सवार देता है, वो मेरा महादेव है। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी लाभ हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी लाभ हो गया। जिस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम है, जिस भूमि पर कुबेर बाबा का यह मंदिर है, जिस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, ये कुबेरेश्वर धाम सीहोर का जंगल के अंदर था, कोई नहीं जाता था, अंधेरा हो जाता था, वहां कोई पहुंचता नहीं था, गाड़ियां भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेन रोड से हाईवे से अंदर कौन जाता। ये शरीर बाबा बुलाता, वहां सांपों ही सांपों का ढेर रहता, सांप बहुत रहते कंकर शंकर की धरा पर, सांपों का क्रम। अब वहां जाते, सेवा करते, झाड़ू लगा लेते, थोड़ा सा पोछा लगा लेते, थोड़ी सी सेवा चाकरी कर देते। कंकर बहुत थे, उसी में सर्प घूमते थे, तो मन में आता था कि ये कंकर में सांप जब चलते होंगे तो उनको रगड़ लगती होगी, इसलिए कंकर को बीन कर एक साइड रख देते। पर सांपों का भी काम ऐसा था कि वो कंकर में जाकर प्रवेश करते थे, बड़ी विचित्र था। उस समय कोई नहीं आता था, जंगल क्षेत्र, कोई कौन पहुंचे। एक कुआं बाबा का, बाबा का मां कंकर, और उसी कंकर की सफाई आराधना चाकरी सेवा करते करते, जब से तेरा गुलाम हो गया, हमने सोचा भी नहीं था कि बाबा हाथ पकड़कर मैनपुरी तक लेकर आ जाएगा, इतने कथाओं का आनंद करा देगा, ये सोचा नहीं। उसकी गुलामी करी है और करो, ठाट से कहना अगर कोई तुमसे पूछे किसके गुलाम हो, किसके नौकर हो, किसकी नौकरी करते हो, तब छाती ठोक कर कहना मेरे काल अधिपति महाकाल की नौकरी करता हूं, मेरे कुबेर भंडारी की नौकरी करता हूं, मेरे कुबेरेश्वर धाम की नौकरी करता हूं, उसकी चाकरी करता हूं, उसकी सेवा करता हूं। कोई पद है तुम्हारे पास में? पद, पद है, पद का मतलब होता है चरण। कोई पद है तुम्हारे पास में? कोई पीठाधीश मठाधीश कोई छो तुम, तुम्हारे पास में कोई पद है? उसने कह देना मेरे पास में दो नहीं, मेरे पास दो नहीं, मेरे पास तो आठ पद रखे हैं, दो मेरे भोलेनाथ के, दो मेरी माता पार्वती के, दो मेरे गणेश जी के, दो मेरे सदानंद कार्तिकेय के, आठ पद मेरे पास में है। और जिसके पास में शंकर भगवान के पद होते हैं उसको पद की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्रतिष्ठा खुद बढ़ती है, पद नहीं प्रतिष्ठा बढ़ना चालू हो जाती है। कालाधिपति के चरण पकड़े हैं जिसने, शंकर के चरण पकड़े हैं जिसने। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा सब गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना वो कात क्या थी मेरी, वरना वो कात क्या से बढ़िया है सबसे खड़ी। क्या औकात थी? बाणासुर के पास में था क्या? लंका के राजा रावण के पास था क्या? भस्मासुर के पास था क्या? अंधकासुर के पास था क्या?
क्या था, ऐसा कौन है कोई अगर कह दे कि मुझे शंकर ने नहीं दिया। 133 कोटि देवी देवताओं में से एक एक देवता ढूंढ कर लेकर आना और एक देवता का भी नाम बता देना कि जिसको शंकर ने नहीं दिया, जिसको शिव ने नहीं दिया। राजा अच के घर में दशरथ जैसे बेटे दिए, राजा दशरथ के घर में राम जैसा बेटा दिया, राजा राम के घर में लवकुश जैसे बेटे दिए, ये उसकी ही तो कृपा है और कौन देगा। मरेगा तो ये निश्चित है कि मृत्यु निश्चित है, मौत आएगी ये भी पक्का है, पर अगर तेरा मन कर रहा है और कुछ मांगने का तो मांग ले, तो मुझे वर दे दो अगर मरूं तो किसी कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं। अब एक बहुत बड़ा प्रसंग सामने आ जाता है कि भाई उसको लगा कि इतना बल तो किसी में होगा नहीं, और कन्या में तो स्त्री में तो वैसे भी बल ना होता है, और कुंवारी रहेगी छोटी रहेगी तो फिर मुझे मार नहीं सकती है। फिर तो मेरा मरना निश्चित नहीं है, अगर मरूं तो कोई कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं, कुंवारी कन्या के हाथ से मेरे प्राण जाए। ठीक है, ततास्तु, भगवान शिव ने कह दिया, ततास्तु। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है, जैसे बाणासुर के पास में शंभु शंभु शंभु, बाणासुर के पास में जैसे बहुत सारे हाथ आ गए, थोड़ा डीले कम कर दो, बाणासुर के पास में बहुत सारे हाथ आ गए। अब इतने सारे हाथ आ गए कि दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर इसके बहुत सारे हाथ हैं, तो कोई लड़ना ही नहीं चाहता, कोई झगड़ा ही नहीं करना चाहता। अब इसने जाकर भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी मेरे इतने सारे हाथ आपने दे दिए, बाणासुर कह रहा है मेरे सहस्त्र हाथ आ गए, इतने हाथ आ गए, अब मुझसे कोई युद्ध नहीं लड़ता, इसलिए भोलेनाथ जी मेरा मन करता है कि मैं आपसे युद्ध लड़ूं। अब जिसने दिया, जिसने प्रदान किया, अब उससे युद्ध लड़ने के लिए जा। शिव जी ने मन में सोचा, पार्वती जी देख रही थी, पार्वती जी को देखते हुए बाबा भोलेनाथ जी ने कहा कि अगर पार्वती, अगर मैं इससे युद्ध लड़ता हूँ ना, अगर मैं इससे युद्ध लड़ने के लिए जाऊँगा, इससे अगर मैं युद्ध लड़ूंगा और मैंने क्रोध में आकर अगर इसके हाथों को काट दिया, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि महादेव ने वर दिया था और महादेव ने हाथ काट दिए, शिवजी ने ही वर दिया और शंकर भगवान ने काट दिया, तो ये तो दुनिया के लोग मुझ पर हंसेंगे। इसलिए भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं इससे युद्ध नहीं लड़ सकता, तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझसे युद्ध लड़ने के लिए आए हो ना, टेंशन मत लो, समय आएगा और समय आने पर जब द्वापर आएगा, द्वापर में जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आएंगे, तब तुम कृष्ण से युद्ध लड़ोगे और तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारे हाथ, तुम्हें लग रहा है कि मेरे ये हाथ बहुत सारे हैं, तो मैं, कोई मुझसे युद्ध नहीं लड़ता, भगवान कृष्ण तुमसे युद्ध लड़े। समय आया, धीरे 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 समय निकलता चले गया, द्वापर आ गया, भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर की कन्या उषा ने पसंद कर लिया और उस
अनिरुद्ध को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत में चर्चा आती है, श्रीमद् भागवत कथा में आप श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत में आप सुनते हैं, क्रोध बाणासुर के यहां पर जो भगवान देव अधिदेव महादेव की एक ध्वजा लगी हुई थी वो ध्वजा खंडित हो गई। बाणासुर को लग गया कि अब युद्ध होगा कृष्ण के साथ। युद्ध लड़ने के लिए भगवान कृष्ण के सामने बाणासुर पहुंचे। अब इधर बाणासुर है, बाणासुर ने आवाज लगाकर शंकर भगवान को बुलाया कि मेरी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आप भी आओ। बाणासुर है, शंकर भगवान है, दोनों युद्ध लड़ने के लिए तैयार। उधर से भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी पूरी सेना। भगवान शिव जी ने भगवान कृष्ण को देखा और भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को देखकर दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर रहे हैं और महादेव भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं दोनों। भगवान कृष्ण महादेव को प्रणाम कर रहे हैं और महादेव भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, दोनों प्रणाम कर रहे हैं। अब द्वारिकाधीश ने भगवान कृष्ण, द्वारिकानाथ ने शंकर भगवान को देखकर विनय करी, निवेदन करा, प्रभु एक बात बताओ, मैं आपसे युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? शंकर भगवान ने इशारा कर द्वारिकाधीश के रथ का ऊपर का ध्वज दिखाया। जिस ध्वज पर आगे के ओर श्री हनुमंत लाल जी विराजमान थे। अब आज जब द्वारिकाधीश आए हैं बाणासुर से लड़ने के लिए, तब रथ अर्जुन का साथ लेकर है। उस रथ पर हनुमान जी विराजमान थे। शिव जी ने इशारा करा हनुमान जी की ओर, द्वारिकाधीश नीचे उतरे, हनुमान जी से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु पधारो जरा नीचे, राम अवतार में तुमने हमारा साथ दिया, आज कृष्ण अवतार में साथ दीजिए। क्या साथ देना है? हनुमान जी ने पूछा, बताओ। द्वारिकाधीश बोले, शंकर भगवान ने बाणासुर को वर दिया था मैं तेरी ओर से युद्ध लड़ूंगा, पर सुन बाणासुर, युद्ध के मैदान में अगर मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अगर युद्ध के मैदान में मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब तुम्हें एक काम करना है श्री हनुमंत लाल जी, जाओ और शंकर भगवान के रथ के पहिये को खोखला कर दो। रथ का पहिया अगर खोखला हो जाएगा, रथ दौड़ेगा, टूट जाएगा। टूटा और वो टूटने के बाद में फिर मेरा देव अधिदेव महादेव इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे। गला पकड़ रहा है, देवाधिदेव महादेव इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे। आप करो ये प्रयास। हनुमान जी महाराज एक भंवर का रूप धरकर चले और भंवर का रूप रखकर हनुमान जी महाराज पहुंचे जहां पर रथ के पहिए में कीला लगता है। उस कीले की जगह से रथ के पहिए के अंदर प्रवेश कर गए। पहिए के अंदर प्रवेश करे, पहिए को हनुमान जी महाराज ने खोखला कर दिया। जैसे ही बाणासुर ने कहा आक्रमण, रथ दौड़ा। शंकर भगवान का जैसे ही रथ दौड़ा, दौड़ते से ही शिवजी के रथ के भागते ही पहिया टूट गया। टूट गया तो भोलेनाथ जी ने कहा अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, अब
तुम युद्ध लड़ो। बाणासुर ने युद्ध लड़ना प्रारंभ करा। द्वारिकाधीश ने जिस हाथों का इसको अहंकार था, उस बाणासुर के हाथों को काट काट कर मेरे द्वारिका नाथ ने टुकड़े टुकड़े कर कर जमीन पर फेंक दिए। जिस अहंकार में आप अपनी जिंदगी को जियोगे, जिस अभिमान में, जिस चीज का तुमको घमंड होगा, जिस चीज का तुमको अहंकार होगा, वो सबसे पहले खींची जाती है, सबसे पहले छीनी जाती है। अब व्यक्ति को अहंकार, ये काया पाने के बाद सबसे ज्यादा व्यक्ति को अहंकार जिस जिस चीज का आता है, वो चीज उससे छुड़ा ली जाती है। इन दांतों को अहंकार रहता है, मैं काट लूंगा, मैं खा जाऊंगा, मैं काट लूंगा, खा जाऊंगा। मरने से पहले सबसे पहले यही निकल के सोफा सेट बाहर हो जाता। काया का अहंकार रहता है, मैं कितनी सुंदर, दिन भर दर्पण और सुंदर। मरने से पहले ये काया भी बेकार हो जाता। बाल का अहंकार होता है तो सीवर वाले महाराज के भी चले गए। जिस चीज चीज का अहंकार करोगे वो सब चले गए। धन का अहंकार करा, धन चले गया। सत्ता का अगर अहंकार करोगे, सत्ता चली जाएगी। वैभव का यदि अभिमान करोगे तो वैभव चले जाएगा। और अगर तुम धन का अहंकार करोगे तो वो धन भी तुम्हारे पास से चला जाएगा। ये अभिमान तुम्हारे पास में अगर है तो वो परमात्मा को आने में नहीं, परमात्मा को आने ही नहीं देता। अहम, बाणासुर को अहंकार था अपनी भुजाओं का, बाणासुर का अहंकार था अपने हाथों का। भगवान ने सबसे पहले हाथों को काट दिया। सुदर्शन उठाया मेरे द्वारिकाधीश ने, और सुदर्शन उठाकर द्वारकानाथ बाणासुर का शीश काटने वाले थे, तो शंकर भगवान ने उधर से इशारा कर दिया, द्वारिकानाथ शीश मत काट देना। द्वारिकानाथ ने पूछा, भोलेनाथ आप मुझे इस बाणासुर का सिर काटने से रोक रहे, ये आपका शिष्य है इसलिए? शंकर भगवान कह रहे हैं, शिष्य है इसलिए नहीं, मैं आपको सिर काटने के लिए इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आपने प्रहलाद को वचन दिया था कि तेरी 18 पीढ़ी में मैं किसी को नहीं मारूंगा, और ये बाणासुर प्रहलाद की 18 पीढ़ी के अंदर है, इसलिए तुम इसको मार नहीं सकते। ये प्रहलाद की 18 पीढ़ी के अंदर है, तुम इसे मारोगे नहीं, तुम इसे मार नहीं। तुम इसे मारिए नहीं। अब द्वारिकानाथ ने अपने सुदर्शन चक्र को वापिस लिया, द्वारिकाधीश ने अपने सुदर्शन चक्र को वापिस लिया, और द्वारिकानाथ ने बाबा भोलेनाथ जी से कहा, फिर इसका अंत कैसे होगा, इसके प्राण कैसे छूटेंगे, शरीर कैसे छूटेंगे? शिव जी ने कहा, इसने वर मांगा है, मरूं तो कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं, कुंवारी कन्या के हाथ से। अगर ये मरेगा तो कुमारी कन्या के हाथ से मरेगा। तुम रुको, अभी समय आएगा। बाणासुर के अब केवल दो हाथ बचे हैं, बाकी के सारे हाथ कट कर गिर गए, क्योंकि अभिमत्ता में आ गया था, अहंकार में आ गया था, और अहमता में आने के कारण इसका सब कुछ चले जाता, सब कुछ। अहंकार में आने के बाद, अभिमत्ता में आने के बाद, अहमता में आने के बाद में बाणासुर के हजारों हाथ कटकर गिर गए, केवल दो हाथ बचे। जब व्यक्ति के पास में अहमता रहती है, अहंकार रहता है, तब तक वो किसी को नहीं गिनता,
जब अहंता चली जाती है तब समझ में आता है कि मेरे सिवा फिर कुछ भी नहीं। एक सहज शून्यता का भाव उसके सामने आ जाता। एक शून्यता का भाव। और शिव के पास पहुंचने के लिए वो शून्यता बहुत जरूरी है। देवाधिदेव महादेव के करीब में जाने के लिए वो शून्यता बहुत जरूरी है। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये अहम में चले गए, अहंकार में निकल गए। इसीलिए वो कहते हैं ना, क्या मान करे रे काया कि काया माटी मिल जाएगी, राम भजले हरि का नाम भजले, कहीं तो राम मिल जाएंगे, क्या मान करे रे दौलत का, वो दौलत माटी मिल जाएगी, क्या मान करे रे बेटे का, पड़ोसी बेटा बन जाएंगे, क्या मान करे रे बेटी का, ओ बेटी जमई ले जाएंगे। ये शरीर जो मिला है भगवान की भक्ति का, जो मूल तत्व प्राप्त हुआ है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का जो आनंद गला पकड़ रहा है माइक, भगवान शिव की भक्ति का जो एक रस तत्व हमें प्राप्त हुआ है, अहमता से परे हो जाओ। बाणासुर के हाथ कट गए फिर भी इसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ। कभी कभी रस्सी जल जाती है पर उसका बल नहीं जाता। कभी कभी किसी का सब कुछ चले गया उसके बाद भी अहंकार, अहम, अभिमत्ता उसके अंदर रह जाती है। वैभव गया, सत्ता गई, राजपाट गया, उसके बाद भी अहंकार उसके अंदर, अहम। बाणासुर ने अपने क्षेत्र में जितने भी, बाणासुर के क्षेत्र के अंदर जितने भी, बाणासुर को मालूम था मेरी मृत्यु कुंवारी कन्या के हाथ से होगी, तो बाणासुर के क्षेत्र में जितनी कन्याओं का जन्म होता था, बाणासुर के क्षेत्र में जितनी कन्या जन्म लेती थी, बाणासुर उन कन्याओं को मारने का प्रयास कर देता था। एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है ये, संसार के एक एक व्यक्ति के हृदय में ये बात होना चाहिए कि माता के गर्भ से बेटा हो रहा है, बेटी हो रही है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को पार लगा देती है, वो बेटी का जीवन। गर्भ में आने वाली बेटियां, गर्भ में आने वाली संतान, गर्भ से जन्म लेने वाली बेटियां, अगर इस गर्भित बेटी को, शिव महापुराण की कथा कहती है गर्भ में रहने वाली बेटी को जो गर्भ में मरवा देता है, भ्रूण हत्या करवा देता है, गर्भस्थ कन्या को या कुंवारी अवस्था में उस बच्ची पर कोई गलत प्रहार करता है,
छोटी सी कन्या पर गलत दृष्टि देता है, छोटी सी कन्या के साथ अगर कोई गलत कर्म करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस व्यक्ति को बार बार पृथ्वी पर जितनी बार वो जन्म लेगा, जितनी बार वो जन्म लेगा उतनी बार उसको अधोगति में तड़प तड़प कर रोग ग्रसित होकर मरना ही पड़ता है। ग्रसित होकर ये इतनी सारी माताएं बैठी हुई है, आप अपने घर का अंदाजा लगा कर देखिएगा, आप अपने घर में एक अंदाजा लगाइएगा, रहने वाली घर की बेटियां, घर में रहने वाले बेटे और बेटी दोनों का अंदाजा लगाना, आपकी पत्नी को भी देखना, आपकी पत्नी का भी अंदाजा लगाना कि आपकी खुद की पत्नी वो अपने माता पिता के प्रति कितना समर्पित रहती है। बोलो सही है कि गलत है? आपकी खुद की पत्नी मायके 50 बार फोन लगाती है, मम्मी कैसी हो, पापा कैसे हो, भैया कैसे हो, शुगर की जांच कराई कि नहीं कराई, बीपी देखा कि नहीं देखा, भैया पापा को दिखाने चले जाओ फिरोजाबाद, भैया पापा को आगरा ले जा, भैया पापा को दिल्ली ले जा। तुम्हारे खुद की पत्नी को देखना, वो स्वयं अपने माता पिता के प्रति कितना सम्मान रखती है, उसके माता पिता के प्रति कितना आदर, उसके माता पिता के प्रति कितनी जागरूक होती है, खुद की पत्नी को देखो। इसलिए निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्म ले रहा है तो समझ लो तुम भाग्यशाली हो, पर तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले रही है तो तुम समझ लेना कि सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली। अगर बेटी का जन्म हो रहा है, किसी कुंवारी कन्या का, किसी कुंवारी बेटी का, किसी छोटी सी कन्या पर अगर आप गलत दृष्टि दे रहे हो, तुम छोटी सी कन्या पर अपनी गलत विचार रख रहे हो, छोटी सी कन्या पर गलत दृष्टि दे रहे हो, किसी कन्या के लिए तुम निंदा, चार निंदाओं को वर्जित किया गया है, ठीक है? बहुत ध्यान देना आज की कथा का, ये सूत्र अपने अंदर उतार कर रखना, चार निंदाओं को वर्जित किया गया। एक, सौभाग्यवती नारी, सुहागिल स्त्री, मांग में सिंदूर भरी हो, गले में मंगलसूत्र हो, हाथ में चूड़ा हो, पांव पैजनिया हो, किसी के घर की भी वो स्त्री हो, किसी के घर की भी वो नारी हो, वो किसी के घर की अगर मांग में सिंदूर भरी है, मंगलसूत्र पहनी है, चूड़ी पहनी है, बिछुड़ी पहनी है, सौभाग्यवती नारी की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरी, गर्भवती नारी, किसी नारी का गर्भ है, गर्भ धारण करने के बाद उसका उदर, उसका पेट अधिक दिख रहा है, कम दिख रहा है, गर्भवती नारी हॉस्पिटल जा रही है, मार्ग से, रास्ते से, रोड से निकल कर जा रही है, उस गर्भवती नारी को देखकर कभी अपशब्द मत कहना, कभी निंदा मत करना। चार निंदाओं को वर्जित बताया है कि चार निंदा करने वाले व्यक्ति की दशा क्या होती है, वो भी आपको वर्णन कर रहे हैं। पहली, सौभाग्यवती नारी, दूसरी, बोलते जाओ जल्दी से, गर्भवती नारी, तीसरे नंबर पर कहा गया रोगीला व्यक्ति, रोग, कोई आंख से अंधा है, कोई नहीं समझ पाता, कोई मंद बुद्धि है, कोई विचार से छिन्नित है, कोई अपने ठाट में रह रहा है, हमें नहीं निंदा करना, रोग ही लावे उसकी भी निंदा नहीं करी। और चौथे नंबर पर आता है कोई संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन, कोई वक्ता हो, कोई स्मरण करने वाला हो, कोई भगवान की भक्ति में कोई डूबा हो, संत से मतलब नहीं, आप भी अगर भगवान की भक्ति में डूबे हो, तुम्हारे मोहल्ले का कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, कोई संत डूबा है, कोई कथाकार है, कोई वक्ता है, कोई भजन करने वाला है, कोई बच्चा कोई भगवान की भक्ति में डूबा है, हमें उसकी निंदा नहीं करना, कभी नहीं करना। आज के जमाने में व्यासपीठ पर बैठकर लोग
एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं कई लोग, और वहां सुनने वाले भी बैठे रहते हैं। उस समय पर खड़े होकर बोलना चाहिए आपको कि महाराज जी, हम यहां निंदा सुनने नहीं आए, हम यहां भगवान की कथा सुनने के लिए आए। व्यासपीठ पे बैठकर लोग दिन भर निंदा करते हैं, उस महाराज जी ने ऐसा बोला तो उसकी निंदा कर दी, उस महाराज जी ने ऐसा बोला तो उसकी निंदा कर दी। हम 3 घंटे का समय निकालकर अपने घर से चलकर कथा को सुनने के लिए आए हैं, किसी कथाकार की या किसी वक्ता की या किसी संत की निंदा सुनने के लिए नहीं आए। आप संत की बड़ाई करिए, संत का व्याख्यान करिए, पर निंदा ना करिए। निंदा नहीं श्रवण करना हमें, हम अपनी भक्ति में। ये शिव महापुराण की एक अलग आनंद था। इस व्यासपीठ ने आज तक किसी की निंदा का क्रम ही नहीं करा। वो भगवत भजन जितना कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो, जितनी भक्ति कर सकते हो, जितना शिव तत्व को अपने अंदर उतार सकते हो उतना उतारो, जितना शंकर को अपना बना सकते हो उतना बना लो। ये कथा हमेशा बस शिव को पाने का तरीका बताती रही है। ये कथा कभी निंदा को करने के लिए जागरूक ही नहीं, क्योंकि समय नहीं है इतना। कल आपको कथा में कहा था कि ये कथा में इतना है कि इसको बोले जाएं तो कम पड़ता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा बहुत सारी कथाएं होती हैं जिसमें कथा के अंदर 2-3-4 भजन आ जाते हैं, पर आपने टीवी पर भी देखा होगा केवल एक ये कथा शिव पुराण की ऐसी होती है जिसमें भूल से एक आध भजन आ जाता है, और कभी कभी बाबा की कृपा हो जाए तो 2 भजन हो जाते हैं, नहीं तो भजन ही नहीं आता। कथा इतनी विस्तार, शिव तत्व को हम कैसे पाएं, शंकर को अपना कैसे बनाएं, शंकर को पाने का तरीका क्या हो सकता है, बेलपत्री का गुण क्या हो सकता है, जल की महत्वता क्या हो सकती है, उसको पाने का तरीका हम ढूंढें। निंदा करने के लिए व्यासपीठ नहीं होती कि आप बैठ गए और उस महाराज की निंदा कर दी, वो महाराज की निंदा कर दी, उसके लिए बोल दिया, उसके लिए ना। भक्ति का बल कैसे बढ़ाया जाए, भक्ति के बल को कैसे बढ़ाया, शिव तत्व को कैसे बढ़ाया। कन्या पर दृष्टि गलत मत दो, कन्या पर कभी आप जीवन में कन्या पर गलत दृष्टि ना दें, कन्या को अपशब्द ना कहें। बाणासुर को मारने के लिए माता पार्वती जी ने एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करा, और स्वयं माता पार्वती कुंवारी कन्या बनकर बाणासुर का संहार कर दिया, और कहकर मारा बाणासुर, सुन ले बाणासुर, ये तेरी गति जो बिगड़ी है ना, ये तेरे कर्म से बिगड़ी है। तूने कन्या का आदर नहीं करा, उसको गर्भ में मरवा दिया, तूने कन्या जन्म ली तो उस पर गलत दृष्टि दे दी, ये तेरे कर्म के अनुसार तुझे भोगना पड़ा। बाणासुर के प्राण छूट गए। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर रहा है शिव महापुराण, वर्णन कर रही है, सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा देव अधिदेव महादेव ने काया के रोग से मुक्त किया। आगे वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन का, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, जिनको मनाने के लिए भगवान शंकर पार्वती जी ने उनको मनाया। फिर अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर, दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान शंकर कालाधिपति बनकर प्रकट। फिर अगला वर्णन है ओंकारेश्वर, विंध नामक पर्वत के तप से शिव जी प्रसन्न होकर वर प्रदान करे। फिर अगला वर्णन है भीमा शंकर, अगला वर्णन है केदारेश्वर, नर नारायण तप करके शिव जी को प्राप्त करे। पशुपति नाथ भगवान का आधा भाग केदार में रहा, आधा भाग नेपाल में डोलेश्वर महादेव के रूप में गया। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसमें ना कोई किताब पढ़ी जाती है, ना कोई पोथी पढ़ी जाती है, ना कोई कहानी पढ़ी जाती है, केवल
पांच व्रत पशुपतिनाथ के होते हैं। जिस दिन पहला व्रत करो, सुबेरे के समय पर पूजन की थाली लगाकर भगवान का अभिषेक पूजन मंदिर में जाकर करो, विनती कर कर वापिस आओ, पूजन की थाली रख दो। उसी थाली को शाम को जब लेकर जाओ, मीठे का घर में बना हुआ मीठे का प्रसाद, जो भी मिठाई आप बना लें वो ले जाओ, छह दिए थाली में रख कर लेकर जाओ। मंदिर में छह ही दिए नीचे जमीन